गुड मॉर्निंग व्यू, वेरी गुड मॉर्निंग व्यू, माशाल्लाह यार, बहुत दुनिया है यहाँ पे यार, सो ग्लैमर। ये होटल की छत से व्यू है, अच्छा हाइट भी हो रहा है। इस वक्त बज रहे हैं सिंगापुर में सुबह के 6:30 और फजर पढ़ के हम लोग फ्री हुए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अजीब सा लग रहा है सिंगापुर आके, लेकिन मतलब मैं अपने घर में सबको बता रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सिंगापुर आ सकती थी कभी, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश भी नहीं कहूँगी, मतलब अच्छा लगता था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी सिंगापुर मतलब आऊँगी, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव और जिस तरीके से आई हूँ वो भी एक अल्लाह ताला का एक नेमत, तुम्हारे से एक नेमत है। कोई बहुत प्लानिंग नहीं की थी, कोई बहुत पैसे जमा नहीं करे थे उस चीज़ के लिए, अल्लाह ताला जब देने पर आते हैं तो देते हैं, अल्लाह की जब प्लानिंग होती है, अल्लाह जब चाहते हैं तब इंसान के सारे काम हो जाते हैं, सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। थोड़ा सब्र शुक्र, थोड़ा सब्र ज़्यादा शुक्र, ये फार्मूला लाइफ में रहना। यकीन नहीं आ रहा, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कैनेडा से बहुत डिफरेंट है, ऑब्वियसली आइलैंड है, ग्रीन बहुत है और ग्रीनरी भी बड़ी फॉर्मल और ऑर्गेनाइज किस्म की ग्रीनरी है, रोड्स भी बड़ी साफ सुथरी, ऐसा लगता है जैसे धोई है इन्होंने। ये सनराइज का व्यू, मुझे लगता है अहमद हम लोग को यहाँ सनराइज मिलेगा, पता है इंशाल्लाह अहमद मिलेगा, को कहता है बिलेगा, बिल गया। ये खूबसूरत सा व्यू, बॉर्न एंड रेज सिंगापुरियन यहाँ पर, जाहरी बात है जो जिनका मुल्क है वो हैं, और ज़्यादातर यहाँ एलीट तबका रहता है, जॉब करने वाला तबका रहता है, इंडियंस की बहुत ज़बरदस्त मकदार है यहाँ पे, ओनर्स हैं, बिजनेस मैन हैं यहाँ पे ज़्यादातर रहने वाले। भाई इंडिया में पैसा बहुत है, हमारे पाकिस्तानी बेचारे पीछे रह गए। जी बेटा, इसी रोशनी निकलेगी तो बनाऊँगी यहाँ पे जो पूल है, ये मेरा बेटा खड़ा हुआ है पूल का दीवाना, अंधेरे में देखो कैसे खड़ा हुआ है सन्नाटे में। हम लोग यहाँ रहे, ये पूल है, बड़ा खूबसूरत हसीन व्यू है, यहाँ से भी शहर दिखता है, और ये राइट साइड पे जिम है जहाँ पे ट्रेडमिल चला रहे हैं। बेटा तुम नाश्ता तो ले लो पहले, जूता आखिर में लेके रख लेना, ये वाला नहीं, हलाल लिखा, अरे हलाल की वजह से नहीं कह रही।